अब तक आप लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब देखिए चैप्टर 8 में है सेव एवरी ड्रॉप। एवरी ड्रॉप पानी की एक एक बूंद को हम लोगों को सेव करना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 चिल्ड्रन याशिका, मीनाक्षी, रोहन एंड राहत आर सोन बिलो। दे यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पस। दे हैव बीन गिवेन सम पॉइंट्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर यूजेज ऑफ वाटर एट देयर पॉइंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्कोर एंड फाइंड आउट विच ऑफ फॉलोइंग चिल्ड्रन यूजेज वाटर विथ मच केयर। 4 चिल्ड्रन है, याशिका, मीनाक्षी, रोहन एंड राहत। ये सभी जो है वाटर का जो है जो बेसिक यूज होता है उसी के लिए वो यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि ये किस ढंग से यूज कर रहा है और इनका यूज करने का तरीका क्या है, इसमें आप कितना पॉइंट इसको दीजिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन इसमें आपको अपने से भी कुछ पॉइंट्स देना है। देखिए पिक्चर है, रोहन यूजेस ए हॉज पाइप वाटर द प्लांट। अब हॉज पाइप का जो यूज कर रहा है तो देखिए कि पानी का बर्बादी हो रहा है, वाटर जो है गमला से बाहर जा रहा है, इसमें इसको 0 पॉइंट मिला है। फिर है मीनाक्षी यूजेज ए बॉल ऑफ वाटर टू वॉश वेजिटेबल। मीनाक्षी जो है वेजिटेबल वॉश करने के लिए बॉल में पानी लेके यूज कर रही है तो इसको 4 पॉइंट मिला है। याशिका लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग हर टीथ। याशिका जो है वो ब्रश कर रही है लेकिन टैप का जो है बंद नहीं कर रही है, उससे वो पानी गिर रहा है, इसको 0 पॉइंट मिला है। राहत प्ले विथ फ्रेंड्स वाइल वाटर टैंक ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ओवरफ्लो। राहत प्ले कर रहा है, खेल रहा है अपने दोस्त के साथ, वाटर टैंक ओवरफ्लो हो गया है फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर है मीनाक्षी यूजेज ए बकेट ऑफ वाटर टू वॉश हर क्लॉथ। मीनाक्षी जो है वो क्लॉथ्स को धोने के लिए बकेट का यूज कर रही है तो इसको 2 पॉइंट्स मिला है। रोहन यूजेज ए शावर टू टेक ए बाथ। शावर यूज करने पे पानी का ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा बर्बाद होता है तो इसको 0 पॉइंट मिला है। फिर है यहाँ पे आपका राहत यूजेज 2 बकेट्स ऑफ वाटर टू टेक ए बाथ। राहत जो है 2 बकेट्स यूज कर रहा है पानी का तो इसको 2 पॉइंट्स मिला है। याशिका पुल द फ्लश अगेन एंड अगेन। राशिका जो है रेस्ट रूम का बार बार वो फ्लश को दबा रही है, इसको 0 पॉइंट मिला है। मीनाक्षी लीव द टैप ओपन। मीनाक्षी जो है देखो कि पानी को ऐसे ही ओपन करके वो खुला छोड़ रही है। राहत जो है इमीडिएटली टर्न ऑफ द रनिंग टैप। जो वह पानी भर गया है बकेट में तो तुरंत उसको बंद किया था, इसको 5 पॉइंट्स मिले हैं। याशिका डज नॉट इन्फॉर्म हर पेरेंट्स अबाउट लीकेज सीलिंग इन द हाउस। याशिका देख रही है कि पानी जो है सीलिंग से गिर रहा है, लीकेज हो रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं कर रही है तो उसको 0 पॉइंट मिला है। रोहन स्पाइल वाटर वाइल फिलिंग हिज बॉटल। रोहन देखो पानी का बोतल में पानी भर रहा है लेकिन कुछ पानी बोतल में जा रहा है तो कुछ वैसे ही गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह यहाँ आप देखिए कि बुक में सबको पॉइंट मिला है लेकिन यहाँ देखिए सबका नाम लिखा हुआ है, आपको अपने से इसमें पॉइंट देना है कि आप इसको कितना पॉइंट दीजिएगा और फिर उसको सबको टोटल करना है। टोटल करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रीयूजिंग थिंग्स। इफ यू रीयूज थिंग्स एट होम यू कैन सेव द एनवायरमेंट। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कुछ पोस्ट कार्ड, उसको फिर से यूज कर सकता है लोग। यहाँ पे देखिए पैंट है, इसको पैंट को कटिंग करके उसको हम लोग हाफ पैंट बना सकते हैं। तो जिसको रीयूज करना है उसमें टिक लगाना है। देखिए ये कार्टून है, जब कार्टून से सामान आया तो सामान को निकालने के बाद हम लोग कुछ ऐसा सामान है जो रोज़ यूज नहीं होता है उसको उसमें रख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए
क्लॉथ से जो है बैग बनाया गया हुआ है, और ऐसे भी जूट का जो हम लोगों के घर में बोरा आता है उसका भी हम लोग इसका थैला बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉट्स है, इस पॉट्स को हम लोग रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक है आपका जो फूटा हुआ है, ये टूटा हुआ बर्तन है, ये टूटा हुआ बर्तन का हम लोग कोई यूज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ देखिए, ये आपका एक जो ग्लास को इसमें रैप करके आता है, तो अगर हम लोग कोई भी जो टूटने वाला सामान है उसको हम लोग फिर से इसमें लपेट के रोल करके रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए बुक्स है, बुक्स को अगर आप पढ़ लिए तो आपके छोटे भाई बहन उससे पढ़ सकते हैं, और नहीं अगर छोटे भाई बहन पढ़ने वाले हैं कोई तो आप इसको किसी और को डोनेट भी कर सकते हैं जो इसको फिर से पढ़ सकता है। तो इस तरह ये आपका चैप्टर है रीयूजिंग, यानी हम लोग समझे कि जिसको रीयूज़ करना है उसमें टिक लगाना है, जिसको रीयूज़ नहीं करना है उसको क्रॉस करना है। फिर अब आपका आता है चैप्टर 10, सेपरेट वेस्ट इन सेपरेट बिन्स। अब यहाँ पे देखिए दो डस्टबिन रखा हुआ, एक है वेट और एक है ड्राई। जो वेट है, जिसमें वेट मीन्स होता है गीला, ड्राई मीन्स होता है सूखा। जो वेट है उसमें आपको W लिखना है, और जो ड्राई रहेगा उसमें D लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका बनाना पिल्स है, इस बनाना पिल्स क्या है, ये आपका किस में जाएगा, गीला में, यानी वेट, तो यहाँ W लिखाएगा। फिर आप यहाँ देखिए, ये पेपर है, तो जो रफ पेपर है इसको ड्राई में डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, आपका ये पिक्चर में दिख रहा है, ये कुछ वेट चीज़ है, जैसे आपका यूजिंग चीज़, हाँ ये देखिए आपका थैला जैसा है ये, इसको आप कहाँ रख डालिएगा। अगर हम लोग कोई भी चीज़ सामान आया उसके बाद हम लोग उसको रीयूज़ नहीं करेंगे तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, वेट डस्टबिन में डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, आपका प्लेट में कुछ फूड्स वगैरह का सूखा चीज़ है तो इसको हम लोग ड्राई में डालेंगे। यहाँ देखिए, ये अंडा का ये पेल्स है तो इसको हम लोग वेट में डालेंगे। पेन जो हम लोग का यूज हो जाता है तो उसको हम लोग फिर किस में डालेंगे, ड्राई में डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, कुछ आपका पत्ते वगैरह है, लीव्स सूखा हुआ है तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, ड्राई में डालेंगे। और फिर यहाँ देखिए, जो हम लोग यूज कर लेते हैं कुछ डब्बे वगैरह सब जो बेकार हो जाता है तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, ड्राई वाले डस्टबिन में। तो इस तरह हम लोग क्या देखे इस चैप्टर में, कि हम लोगों को दो डस्टबिन का यूज करना है, और जिसमें वेट जो रहता है वेस्ट सामान उसको वेट गीला डस्टबिन में डालेंगे, वेट डस्टबिन में, और जो ड्राई वेस्ट रहता है उसको हम लोग ड्राई डस्टबिन में डालेंगे। तो इस तरह आपका जो है चैप्टर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे।